दिल्ली की लड़कियों को पूरे हिंदुस्तान में लोग उनके एटीट्यूड और फैशन के लिए जानते हैं, तो भला हंसिका उन लड़कियों से अलग कैसे हो सकती थी? उसमें भी फैशन और एटीट्यूड की कोई कमी नहीं थी। आज एक चमत्कार हुआ था। आज सूरज के उगने से पहले ही हंसिका सोकर उठ गई थी, तैयार भी होने लगी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रात भर सोई ना हो। वो करीब 5 मिनट तक आईने में खुद को निहारती रही। तभी हर बार की तरह उसकी माँ कामनी ने उसे ताना मारते हुए कहा, ऐसे घंटों आईने देखने से कोई खूबसूरत नहीं हो जाता, जैसी है वैसे ही रहेगी। और हाँ, अभी तो रात ही है, अभी से क्यों तैयार हो रही है 10,000 की नौकरी पर जाने के लिए? हंसिका उन्हें जवाब देना चाहती थी कि उसके उस 10,000 से ही उनका घर चलता है, लेकिन सिर्फ उसने इतना कहा, सुबह हो गई है माँ। तेरी हुई होगी, मेरी सुबह नहीं हुई है अभी तक। ये कहकर कामनी फिर सोने अपने कमरे की तरफ जाने लगी। फिर अचानक रुक कर उन्होंने दोबारा ताना मारा, वैसे इतनी जल्दी कहाँ जा रही है? तूने कहीं कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बना लिया? देख, अभी तू शादी के बारे में सोचना भी मत, और अगर शादी करे भी ना तो किसी अमीर लड़के से करना, जिससे हमारा स्टेटस भी थोड़ा अच्छा हो जाए। हंसिका मन ही मन में हंस पड़ी। शादी? उसे तो ये सपना देखना भी अलाउड नहीं था। फिर भी वो हर बार चोरी छुपे उस अनजाने अनदेखे शख्स के ख्वाबों में खो जाती, जिसके साथ कभी वो पेरिस की गलियों में घूम रही होती, तो कभी आईफिल टावर के सामने खड़े होकर सेल्फी लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर धूम मचा रही होती। मेट्रो से उतरकर वो अक्सर ही गाना गुनगुना उठती थी, मेरे ख्वाबों में जो आए। मगर वो जानती थी कि ये सपने पूरे होने की गुंजाइश लगभग ना के बराबर ही थी। हंसिका को अपनी ही धुन में खोया देख कामनी जोर से बोली, आज सुबह सुबह तेरे मुंह में दही जम गया है क्या? जवाब क्यों नहीं दे रही है? हंसिका गुस्से से बोली, क्या जवाब दूं आपकी इस बकवास का? आपकी इन बातों की वजह से पापा हमें अकेला छोड़ के चले गए। आपको मेरे भागने से डर लगता है, और आपका बेटा रात भर घर नहीं आया, उसकी चिंता नहीं हो रही है? कामनी ने कहा, शिवम लड़का है, लड़के दोस्तों के साथ मस्ती करते हैं, तू लड़की है, लड़कियों को अपनी हद में रहना चाहिए। हंसिका को उनसे ऐसे ही किसी जवाब की उम्मीद थी। उसने कामनी को रुखाई से जवाब दिया, मुझे तो पढ़ने नहीं दिया आपने, कम से कम उसे तो पढ़ने के लिए कहो। कामनी ने उसे फिर टोका, चल अब ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे, मैंने तुझसे 5,000 रुपए मांगे थे ना, कहाँ है? हंसिका ने झुंझला कर कहा, फ्रिज पर रखे हैं। ये कहकर वो घर से निकल गई। ऑटो रिक्शा में बैठकर अपने शोरूम की तरफ जाने के बजाय वो आज कीर्तिनगर मेट्रो स्टेशन की तरफ जा रही थी। दिल्ली आज भी रोजाना की तरह सुबह से ही रफ्तार पकड़ चुकी थी, लेकिन हंसिका के चेहरे पर आज रोज जैसी चमक नहीं थी। नहीं तो घर से निकलने के बाद वो खुद को आजाद समझती थी, उसके चेहरे पर खुशी आ जाती थी। आज जो वो करने जा रही थी उसे उसकी फिलहाल की परेशानियां तो दूर हो सकती थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि किस्मत उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रही थी। कुछ ही देर में वो कीर्ति नगर से मेट्रो में सवार होकर करोल बाग की तरफ जाने लगी। हमेशा की तरह आज भी लड़कियों से घूर रहे थे, लेकिन वो उन पर ध्यान नहीं दे रही थी, नहीं तो वो अब तक घूरने वाले लड़कों को आड़े हाथों ले चुकी होती। उन्हें ऐसी बातें सुनाती कि वो दोबारा कभी किसी लड़की को घूरने की हिम्मत नहीं करते। आज उसके मन में बहुत उथल पुथल सी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़ी उलझन में फंसी हुई है। करोल बाग पहुंचकर वो सीधा ओमेक्स मॉल चली गई। सुबह के 9 बज रहे थे, मॉल की शॉप अभी ढंग से खुली भी नहीं थी। उसने मॉल में एंटर किया ही था कि उसके फोन पर एक कॉल आया। दूसरी तरफ से एक आदमी बोला, 9 बज गए, तू अभी तक पहुंची नहीं? हंसिका बोली, पहुंच गई हूं, तुम कहाँ हो? उधर से आवाज आई, फूड कोर्ट। हंसिका जल्दी से लिफ्ट पकड़कर फूड कोर्ट पहुंच गई। उसने देखा वहां बहुत कम लोग थे, वहां अभी भी शॉप्स ठीक से नहीं खुली थी। उसने देखा कि एक आदमी फूड कोर्ट से मॉल के ग्राउंड फ्लोर की तरफ देख रहा था। उसने ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी, वो किसी गुंडे जैसा ही दिख रहा था। हंसिका जल्दी से उस आदमी के पास जाकर खड़ी हो गई। वो बोला, किसी को बताया तो नहीं? हंसिका ने कहा, नहीं, मेरा भाई तो ठीक है ना?
उस आदमी ने कहा, जब तक तुम कोई गड़बड़ नहीं करोगी ना, तब तक उसे कुछ नहीं होगा। अगर तुमने कोई भी चालाकी की तो फिर उसे कुछ भी हो सकता है। वो अंधा भी हो सकता है, लंगड़ा भी हो सकता है, और हो सकता है कि मारा भी जाए। वो सब इस पर डिपेंड करेगा कि तू कितना कोऑपरेट करती है। ये कहकर उसने मोबाइल में उसके भाई का वीडियो दिखाया, जिसमें कुछ लोग उसके भाई को बेरहमी से मार रहे थे। ये देखकर हंसिका बहुत घबरा गई। वो बोली, मार क्यों रहे हो उसे? वो आदमी बोला, कोऑपरेट नहीं कर रहा था ना, तेरी तरह जिद्दी है ये भी। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि तुम दोनों इतने जिद्दी क्यों हो। मेरे भाई का दिल तुझ पर आ गया था, मैंने तुझसे कहा था कि उससे शादी कर ले, पर नहीं, तेरे ही नखरे कम नहीं हो रहे थे। हंसिका ने कहा, कैसे हाँ कर देती, मुझ पर बहुत जिम्मेदारियां हैं, मैं शादी नहीं कर सकती। पर अब तो तू हंसकर शादी करेगी उससे, पहले ही मान लेती तो ये सब करने की नौबत ही नहीं आती। ये कहकर उसने हंसिका को एक बैग दिया और बोला, सामने वाले स्टोर के चेंजिंग रूम में जाकर ये कपड़े पहन ले, ठीक 11 बजे मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर खड़ी रहना, भाई वहीं पहुंच जाएगा। कोई गड़बड़ करने की कोशिश भी मत करना। हंसिका ने उससे पूछा, मैं उसे पहचानूंगी कैसे? वो खुद तुझे पहचान लेगा। ये कहकर वो वहां से निकल गया। हंसिका ने उस आदमी की दी हुई ब्लू कलर की ड्रेस पहनी और मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस के बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसे वहां खड़े करीब आधा घंटा हो गया था, लेकिन वो आदमी अभी तक नहीं आया था जिससे उसे शादी करनी थी। वो मन ही मन दुआ कर रही थी, काश काश वो आए ही ना। हंसिका ने जिंदगी भर बहुत स्ट्रगल किया था। उसे लगता था कि शादी के बाद उसकी जिंदगी बदल जाएगी, वो अपने पति के साथ वो जिंदगी जिएगी जिसके उसने सपने देखे थे। उसे नहीं पता था कि उसका ये सपना भी टूट जाएगा। उसे एक गुंडे से शादी करके जिंदगी भर आंसू बहाने पड़ेंगे। वो बोली, मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? हंसिका एक तेज तर्रार लड़की थी। अगर उसके भाई की जिंदगी का सवाल नहीं होता तो वो उस गुंडे को अच्छा सबक सिखाती। वो जब अपने भाई को लेकर परेशान थी और अपनी किस्मत को कोस रही थी, तभी उसके सामने एक मर्सिडीज बेंज आकर रुकी। कार इतनी खूबसूरत थी कि एक पल को उसके दिमाग से सारी परेशानियां गायब हो गई और उसकी नजरें कार पर जाकर टिक गई। मर्सिडीज में से एक बहुत ही हैंडसम लड़का बाहर आया, जिसकी उम्र करीब 30 साल होगी और हाइट 6 फुट। उसने ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था, आंखों पर ब्लैक शेड्स थे, चेहरे पर बहुत हल्की सी शेव थी। उसे देखकर हंसिका की आंखें खुली की खुली रह गई। वो मन ही मन बोली, कितना हैंडसम है ये, काश इससे मेरी शादी होती, पर नहीं, अपनी किस्मत में तो भगवान ने गुंडा लिखा है। वो ख्यालों में खोई ही हुई थी कि तब तक वो लड़का उसके सामने आकर खड़ा हो गया। हंसिका उसे पास खड़ा देखकर झिझक गई। वो लड़का बोला, चलिए शादी कर लेते हैं। ये सुनकर वो बहुत हैरान हो गई। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस गुंडे का भाई इतना हैंडसम और अमीर है। अगर वो उसे प्रपोज करता तो वो पहले ही हाँ बोल देती। उसने मेरे भाई को क्यों किडनैप करवाया? सामने आकर भी तो मुझसे शादी के लिए बोल सकता था। हंसिका के मन में बहुत से सवाल थे, वो कुछ समझ ही नहीं पा रही थी कि तभी वो लड़का बोला, जल्दी चलो, देर हो रही है। ये कहकर वो उसका जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ गया। हंसिका हड़बड़ा कर उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ ही देर में उन दोनों की कोर्ट मैरिज हो गई। हंसिका को अब कोई अफसोस नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी, चलो लड़का तो अच्छा है, मैं तो सोच रही थी कि गुंडे जैसा ही होगा। कुछ ही देर में उस शख्स का ड्राइवर आया और बोला, सर गवाहों को पैसे देकर भेज दिया है, अब हम लोग भी चले? उसकी बात सुनकर वो अपनी मर्सिडीज की तरफ जाने लगा। उसी वक्त एक लड़का आया और उसने हंसिका का हाथ पकड़कर कहा, तुझसे कहा था कि ऑफिस के बाहर मिलना और तू यहां टहल रही है, चल शादी का टाइम निकला जा रहा है। ये सुन हंसिका के पैरों से जमीन खिसक गई। उसने एक नजर गुंडे जैसे उस लड़के को देखा और फिर उस लड़के को देखा जिससे उसकी शादी हो गई थी। वो भी हंसिका की तरफ हैरानी से देख रहा था। उसका ड्राइवर और भी हैरान था।
हंसिका और वो लड़का तुरंत समझ गए कि किसी कंफ्यूजन में उन दोनों की शादी हुई है। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, वो दोनों अब लीगली हस्बैंड वाइफ थे। गुंडे ने देखा कि हंसिका उसके साथ नहीं जा रही है तो वो उसे खींचकर मैजिस्ट्रेट के रूम की तरफ जाने लगा। ये देखकर वो शख्स आगे बढ़ा, उसने जोर से उस गुंडे के गाल पर थप्पड़ मारते हुए कहा, हाथ छोड़ उसका, शी इज माई वाइफ। ये सुन हंसिका हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। वहीं गुंडा समझ गया कि हंसिका ने उसे धोखा देकर किसी और से शादी कर ली है। वो गुस्से से उसे बोला, अब तू इसका अंजाम देख क्या होगा, 1 घंटे में उसके टुकड़े तेरे घर पहुंच जाएंगे। ये कहकर वो वहां से तेजी से निकल गया। हंसिका उसके पीछे भागने लगी, उसे कुछ मत करना, कोई कंफ्यूजन हुई है, मैं उसे डाइवोर्स लेकर तुमसे शादी कर लूंगी, मेरे भाई को कुछ मत करना, प्लीज प्लीज। वो उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था, बस तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था। हंसिका गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो सकती है, उस अमीर लड़के ने उससे शादी ही क्यों की। वो गुंडे को पूरी कहानी बताना चाहती थी पर वो कुछ नहीं सुनना चाहता था। वो गुस्से में वहां से आगे बढ़ा जा रहा था। हंसिका की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, उसे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब उसे कैसे बचाएगी। गुंडा वहां से चला गया और वो वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। तभी पीछे से आवाज आई, रोना बंद करो और खड़ी हो जाओ, रंजन कपूर की बीवी ऐसे सड़क पर बैठकर नहीं रो सकती। ये सुनकर उसने पलट कर देखा तो रंजन उसके सामने खड़ा था, उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसी वक्त उसका ड्राइवर दौड़ता हुआ आया, उसने रंजन से धीरे से कहा, सर सर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है, उस लड़के का नाम भी रंजन कपूर है, आपके नाम की वजह से मैजिस्ट्रेट ने भी पेपर चेक नहीं किए, और फिर वो ये भी तो नहीं सोच सकते थे कि आप जिस लड़की से शादी कर रहे हैं उसे जानते नहीं होंगे। बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है सर, अब क्या करेंगे, रंजन ने कहा। कुछ नहीं, अब यही मेरी बीवी है। ये सुनकर ड्राइवर और हंसिका दोनों उसे हैरानी से देखने लगे। हंसिका की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो जल्दी से खड़ी हुई और सुबकते हुए बोली, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, हमारी शादी गलती से हुई है, मैं आपको डाइवोर्स दे दूंगी। रंजन ने कहा, नहीं अब ये पॉसिबल नहीं है, मैं तुम्हें कभी डाइवोर्स नहीं दूंगा, तुम मेरी ही बीवी रहोगी हमेशा। आप समझते क्यों नहीं हो, ये पॉसिबल नहीं है, आपको मुझे डाइवोर्स देना ही होगा, नहीं तो वो लोग मेरे भाई की जान ले लेंगे। ये कहकर उसने तुरंत उस आदमी को फोन मिलाया जो उसे मॉल में मिला था। फोन उठाते ही वो आदमी बोला, तूने जो आज गलती की है ना, उसकी सजा तेरा भाई भुगतेगा, उसकी लाश तेरे घर पहुंच जाएगी, जा तू अपना हनीमून एंजॉय कर। हंसिका रोते हुए बोली, मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज, मेरी शादी गलतफहमी में हो गई थी, मैं उसे डाइवोर्स देकर तुम्हारे भाई से शादी कर लूंगी। उस आदमी ने हंसिका की बात खत्म होने से पहले ही फोन काट दिया। हंसिका के पैरों तले जमीन खिसक गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिंदगी उसके साथ कौन सा खेल खेल रही है, वो बस रोए जा रही थी। रंजन ने ड्राइवर से कहा, 1 घंटे के अंदर इनका भाई घर पहुंच जाना चाहिए। जी सर, ये कहकर ड्राइवर किसी से फोन पर बात करने लगा। वहीं ये सब सुन हंसिका हैरानी से रंजन को देख रही थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके भाई को बचाने के लिए कह रहा है। क्या रंजन सच में हंसिका के भाई को बचा लेगा या वो भी उसके साथ कोई गेम खेल रहा है। जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम। हंसिका अपने भाई को बचाने के लिए गुंडों से शादी करने के लिए गई थी, लेकिन उसकी शादी गलती से रंजन कपूर से हो गई थी। रंजन कपूर ने अपने ड्राइवर को कहा कि 1 घंटे के अंदर इसका भाई घर पहुंच जाना चाहिए। ये सुनकर हंसिका बड़ी हैरानी से रंजन की तरफ देख रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ही खेल चल क्या रहा है। 1 दिन के अंदर उसकी जिंदगी में इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं कैसे घट गई। पहले उसका भाई किडनैप हुआ, फिर उसे बचाने के लिए उसे शादी के लिए कहा गया, और जब शादी करने आई तो शादी किसी और से ही हो गई।
हंसिका की जिंदगी एक दिन में ही क्या से क्या हो गई थी। शादी तो वो भी करना चाहती थी, लेकिन उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी शादी इस तरह से होगी। रंजन ने कुछ देर बाद ड्राइवर से पूछा, इतनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई कैसे? इस पर ड्राइवर ने कहा, सर हमें जिस लड़की के बारे में बताया गया था उसका फोटो नहीं दिया था, सिर्फ हुलिया ही बताया गया था, और ये बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसा हमसे कहा गया था कि उसने नीली ड्रेस, काली सैंडल पहनी होगी और बाल खुले होंगे, आंखें भी भूरी होंगी, और जो जगह बताई थी वहां पर ये भी खड़ी हुई थी। रंजन मन ही मन सोच रहा था, इतना बड़ा कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचना नहीं चाहता था। उसने हंसिका से कहा, अब रोना बंद करो और मेरे साथ चलो। इस पर हंसिका ने कहा, कहां चलूं आपके साथ? देखिए मेरी बात सुनिए, हमारी शादी एक गलत फहमी की वजह से हुई थी, मैं आपसे डाइवोर्स ले लूंगी। वैसे भी आप बहुत अमीर हैं, आपका और मेरा कोई मैच नहीं है, मैं आपके स्टैंडर्ड की हूं ही नहीं, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए प्लीज। रंजन ने कहा, मुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है, भले गलती से हुई हो लेकिन शादी तो हो गई है, और अब तुम ही मेरी वाइफ हो, तो मैं जितना बोलना था बोल चुकी हो, अब इसके आगे मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। हंसिका ने फिर भी कहा, लेकिन आप जिस लड़की से शादी करने आए होंगे उसे आपने देखा तो होगा, फिर आपसे गलती कैसे हो गई? हंसिका की ये बात सुनकर रंजन कुछ देर के लिए चुप हो गया, फिर हंसिका को देखकर बोला, तुम जिससे शादी करने आई थी तुमने उसे देखा था? हंसिका के पास इसका कोई जवाब नहीं था, वो मन ही मन सोच रही थी, क्या ये भी किसी मजबूरी में शादी करने आया था? ये दिखता तो बहुत अमीर है, फिर भला इसे कैसी मजबूरी होगी? फिर उसके मन में आया, हो सकता है इसे भी मेरी तरह कोई ब्लैकमेल कर रहा हो, लेकिन अगर ऐसा होता तो ये मुझे तलाक देने को तैयार हो जाता, ये तो वो भी नहीं कर रहा है, फिर क्या चक्कर है, ये ऐसे क्यों कर रहा है? ये तो किसी भी लड़की से शादी कर सकता है, और ये सबके सामने खुलकर बोल रहा है कि मैं इसकी वाइफ हूं, और ये मुझे तलाक नहीं देगा। हंसिका के मन में ऐसे सैकड़ों सवाल घूम रहे थे, पर वो रंजन से पूछ नहीं पा रही थी, वो हैरानी से उसे देखती जा रही थी। रंजन ने फिर कहा, चलो देर हो रही है, ये कहकर वो हंसिका का जवाब सुने बिना ही आगे बढ़ गया। उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि हंसिका उसके पीछे आएगी ही, और हुआ भी वही, कुछ पल बाद हंसिका उसके पीछे पीछे चल दी। ड्राइवर ने रंजन के लिए कार का दरवाजा खोला, रंजन जल्दी से कार में बैठ गया। उसके बाद ड्राइवर ने दौड़कर दूसरी साइड का दरवाजा हंसिका के लिए खोल दिया। हंसिका दरवाजे के पास खड़ी हुई थी, उसकी अंदर बैठने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी, उसे डर लग रहा था कि रंजन ना जाने उसे कहां ले जाएगा और क्या करेगा उसके साथ। उसका पूरा शरीर कांप रहा था, कार के अंदर बैठने के लिए उसके पैर नहीं उठ रहे थे, लेकिन उसकी मजबूरी थी रंजन के साथ जाना, क्योंकि उसने उसके भाई को बचाने की बात कही थी, इसलिए उसकी बात मानने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं था। बहुत हिम्मत करके वो कार में बैठ गए। हंसिका आज पहली बार किसी लग्जरी कार में बैठी थी, इतनी खूबसूरत कार का तो वो सपना देखने की भी हिम्मत नहीं कर पाई थी आज तक। वो दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती हुई लग्जरी कार्स को देखकर सिर्फ आहें भर सकती थी, उसमें बैठने के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। कार अब दिल्ली की सड़कों पर तेजी से दौड़ रही थी, दिल्ली का चप्पा चप्पा हंसिका का देखा हुआ था, फिर भी आज दिल्ली उसे अजनबी सी लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रंजन उसे कहां लेकर जा रहा है। वो एक बार फिर उसे बोली, देखिए सर हमसे जो गलती हुई है हम वो सुधार सकते हैं, हमारी बात मानिए, हम डाइवोर्स ले लेते हैं। ये सुनकर रंजन ने उसे घूर कर देखा तो वो चुप हो गई। वो पहले से ही जानती थी कि रंजन डाइवोर्स की बात नहीं करेगा, उसने पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि वो डाइवोर्स नहीं देगा। हंसिका के मन में बहुत घबराहट हो रही थी, वो जानना चाहती थी कि रंजन उसे कहाँ लेकर जा रहा है, उसके साथ क्या करने वाला है। वो बोली, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? रंजन उसकी तरफ देखकर बोला, कार चला लेती हो? हंसिका के मुंह से अचानक निकल पड़ा, हाँ हाँ मैंने दोस्तों की कई बार कार चलाई है, पर लाइसेंस नहीं है मेरे पास। उसकी बात सुनकर रंजन ने ड्राइवर से कहा,
गाड़ी साइड में लगाओ। हंसिका ने देखा कि आसपास तो कुछ भी नहीं है, फिर ये गाड़ी रोकने को क्यों कह रहा है। कार रुकने के बाद वो हंसिका से बोला, तुम्हें ये जानना है ना कि मैं तुम्हें कहाँ लेकर जा रहा हूँ, तो तुम गाड़ी चलाओ और देख लो कि हम कहाँ जा रहे हैं। हंसिका को लगा उसने ड्राइविंग वाली बात बोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वो बोली, नहीं नहीं ठीक है, मैं यहीं ठीक हूँ। रंजन ने उसे घूर कर देखा और कहा, सुना नहीं मैंने क्या कहा, गाड़ी चलाओ जाकर। रंजन का एटीट्यूड देखकर हंसिका घबरा गई। वो जल्दी से गाड़ी से नीचे उतर गई और ड्राइवर की साइड में जाकर खड़ी हो गई। ड्राइवर उसे देखकर नीचे उतर गया। रंजन ने ड्राइवर से कहा, तुम टैक्सी कर लेना। उसके बाद हंसिका डरते हुए ड्राइवर सीट पर बैठ गई। उसने कार तो कई बार ड्राइव की थी, लेकिन लग्जरी कार चलाना उसके लिए नई बात थी। उसने ड्राइवर सीट पर बैठकर मिरर से रंजन को देखा तो रंजन ने कहा, जल्दी करो 10 मिनट में मेरी मीटिंग है। ये सुनते ही हंसिका ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो बहुत घबराते हुए गाड़ी चला रही थी। वो सोच रही थी, एक दिन में और क्या क्या होगा मेरे साथ। रंजन बैक सीट पर बैठकर लैपटॉप पर कोई डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था और हंसिका जीपीएस की हेल्प से रास्ता देखते हुए ड्राइव कर रही थी। अचानक से तेज झटका लगा तो रंजन के हाथ से लैपटॉप उछल गया और कार अचानक से रुक गई। उसने देखा कि कार किसी खंभे से टकरा गई है। वो जल्दी से बाहर निकला और ड्राइविंग सीट की तरफ गया। हंसिका उसे बोली, सॉरी सॉरी, वो गलती से टकरा गई। रंजन ने उसकी तरफ घूर कर देखा और कहा, उधर हो जाओ। हंसिका दूसरी सीट पर मूव कर गई। रंजन ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने लैपटॉप हंसिका को दिया और बोला, इस डॉक्यूमेंट के 3rd पेज से पढ़ना शुरू करो और हाँ, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। फिर खुद सीट बेल्ट पहनकर ड्राइव करने लगा। वो बोला, तुम्हारे चक्कर में मैं 500 करोड़ की मीटिंग के लिए लेट हो जाऊंगा। 500 करोड़ सुनकर हंसिका की आंखें खुली की खुली रह गई। वो रंजन की तरफ देखने लगी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि रंजन 500 करोड़ की बात कर रहा है। वो जानती थी कि रंजन अमीर आदमी है, लेकिन 500 करोड़ तो उसे बहुत ज्यादा बड़ी रकम लग रही थी। मीटिंग के लिए लेट ना हो जाए इसलिए रंजन तेजी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था। हंसिका ने लैपटॉप पर 3rd पेज से पढ़ना शुरू किया तो वो हैरान हो गई। उसे उस डॉक्यूमेंट की टेक्निकल लैंग्वेज समझ ही नहीं आ रही थी, लेकिन ये समझ आ रहा था कि उसमें हौस खास के किसी फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन की बात लिखी हुई है, जिसका कॉन्ट्रैक्ट रंजन कपूर की कंपनी को मिला है। ये पढ़कर वो सोचने लगी, बहुत ही बड़ा आदमी है यार। उसे थोड़ा थोड़ा याद आने लगा कि उसने रंजन कपूर का नाम पहले भी कहीं सुना था। वो अपने ख्यालों में गुम ही थी कि अचानक गाड़ी रुक गई। एक बहुत ऊंची मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का गेट खुला और रंजन ने गाड़ी फॉयर में पार्क कर दी। उसने कहा, लैपटॉप लेकर मेरे साथ आओ। ये कहकर वो फुर्ती से गाड़ी से नीचे उतर गया। उसे देखते ही कई सारे लोग दौड़कर उसके पास पहुंच गए। सभी ने सर झुकाकर उसे विश किया। हंसिका बहुत झिझकती हुई गाड़ी से नीचे उतरी। उसने देखा कि सामने की दीवार बैकग्राउंड पर बड़े बड़े गोल्डन अल्फाबेट से लिखा था, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज, और उसके नीचे कई सारी कंपनीज के नाम लिखे हुए थे। वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकली, वहां खड़े सभी लोग उसे देखने लगे। उसे बड़ा अजीब सा लग रहा था कि सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। रंजन तेजी से सीढ़ियों पर चढ़ गया। उसके पीछे कई लोग और चलने लगे। उन सबके पीछे हंसिका घबराई हुई सी चल रही थी। उसने दिल्ली में इतने बड़े ऑफिसेस बाहर से तो बहुत बार देखे थे, लेकिन अंदर से आज पहली बार देख रही थी। वहां का स्टाफ बहुत अट्रैक्टिव था, इंटीरियर भी बहुत खूबसूरत था। जब वो पढ़ रही थी तब उसने भी ऐसी किसी ऑफिस में जॉब करने का सपना देखा था, लेकिन परिस्थितियां ऐसी थी कि ग्रेजुएशन के 2nd ईयर में ही उसे पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। रंजन कपूर जिधर से भी गुजर रहा था सब अपनी कुर्सियों से खड़े होकर उसे विश कर रहे थे। उसके बाद उन सबकी निगाहें हंसिका पर जाकर रुक जाती थी। सबके मन में एक ही सवाल था कि रंजन ये किस लड़की को अपने साथ लेकर आए हैं। हंसिका हजारों सवाल अपने मन में लिए आगे बढ़ती जा रही थी। कुछ देर बाद रंजन एक लिफ्ट के सामने आकर रुक गया। उसने बटन टच किया तो लिफ्ट का दरवाजा खुल गया। रंजन ने लिफ्ट में जाने के बाद हंसिका को इशारा किया तो वो भी जल्दी से अंदर चली गई। लिफ्ट में पहुंचकर हंसिका ने चैन की सांस ली।
इतनी देर से लोगों की घूरती हुई नजरों से वो बहुत अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसने लंबी सी सांस लेकर रंजन से पूछा, आपकी कंपनी करती क्या है? किस चीज की कंपनी है आपकी? रंजन ने हंसिका की तरफ देखा और कुछ देर बाद कहा, तो तुम ये जानना चाहती हो कि तुम्हारा पति क्या करता है और कितना कमाता है? हंसिका ने हकलाकर कहा, नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। रंजन ने कहा, फिर क्या मतलब था तुम्हारा? हंसिका ने कहा, वो बाहर साइनबोर्ड पर आपकी ज्यादातर कंपनीज के नाम में इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स और मैकेनिकल लिखा था, पर आपके डॉक्यूमेंट्स फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड थे, तो इसलिए। रंजन ने एक बार हंसिका को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज में बहुत सी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाती हैं, जो कि कई सारी इंडस्ट्रीज में काम आती हैं, जैसे कि आईटी इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, साइंटिफिक रिसर्च में। हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स भी बनाते हैं, जो कि फ्लाईओवर, सबवेज और बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन में काम आते हैं। इसके अलावा कपूर ग्रुप के पास कई सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट भी हैं। हंसिका को अभी तक लग रहा था कि रंजन बहुत घमंडी इंसान होगा, लेकिन अभी जिस तरह से उसने अपनी कंपनी के बारे में बताया, उसे वो बिल्कुल घमंडी नहीं लगा। हंसिका को अब उसके साथ थोड़ा ठीक लगने लगा था, लेकिन उसे अभी भी अपने भाई की चिंता सता रही थी। वो बोली, मेरे भाई की क्या खबर है? ये सुनते ही रंजन उसकी तरफ घूर कर देखने लगा। क्या रंजन ने हंसिका के भाई को बचा लिया होगा, या वो उसे किसी नई मुसीबत में डाल देगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज ओनली ऑन पॉकेट FM। रंजन कपूर हंसिका को अपने साथ ऑफिस लेकर पहुंच गया था, जहां सभी हंसिका को ही देख रहे थे। जब वो रंजन के साथ लिफ्ट में थी, तब उसने उससे पूछा, मेरे भाई की क्या खबर है? उसके इस सवाल को सुनकर रंजन ने उसे देखा और कुछ देर बाद अपना फोन निकाल उसे एक वीडियो दिखाया। वीडियो में उसका भाई सही सलामत दिख रहा था। अब वो गुंडों की कैद में नहीं था, बल्कि अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था। ये देखकर हंसिका खुश होकर रंजन की तरफ देखने लगी। अपने भाई को देखकर उसे बहुत सुकून मिला। कल रात जब उसके पास किडनैपर का फोन आया था, तब से वो बहुत परेशान थी। वो हर हाल में उसे बचाना चाहती थी, इसलिए वो एक गुंडे से भी शादी करने के लिए तैयार हो गई थी। लिफ्ट 18 फ्लोर तक पहुंच गई थी और अभी भी 10 फ्लोर और ऊपर जाना था। हंसिका ने डॉक्यूमेंट पढ़ने के बाद सोचा था कि रंजन की कंपनी शायद कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में है, लेकिन उसने उसे बताया कि उसकी कंपनी कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स वगैरह बनाती है। तभी अचानक से हंसिका को याद आया कि उसने कुछ समय के लिए एक बहुत बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर में भी काम किया था, वो भी शायद कपूर ग्रुप का ही था, इसलिए उसे एक बार रंजन कपूर का नाम सुना हुआ सा लग रहा था। वो डिपार्टमेंटल स्टोर कनॉट प्लेस में लैंडमार्क था। हर कोई यही बोलता था, कपूर स्टोर से लेफ्ट में मेरा ऑफिस है। कोई कहता था कि उसके सामने मेरी शॉप है। पूरे देश में करीब 2000 कपूर डिपार्टमेंटल स्टोर्स थे, जिसमें से 12 तो अकेले दिल्ली में ही थे। हंसिका को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि भले ही गलती से, लेकिन उसकी शादी इतनी बड़ी कंपनी के डायरेक्टर से हो गई है। रंजन ने उससे पूछा, तुम क्या करती हो? किसी कंपनी में जॉब करती हो क्या? ये सुनते ही हंसिका झिझक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोले या झूठ। सपना तो उसका भी कॉरपोरेट में जॉब करने का था, पर क्या करे, वो अपनी पढ़ाई ही पूरी नहीं कर पाई थी। पढ़ाई छोड़ने के बाद वो छोटी मोटी जॉब करके अपना घर चलाती थी। कभी किसी कपड़े के शोरूम में काम करती थी, तो कभी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स के शोरूम में सेल्स गर्ल्स का काम करती थी। उसे जहां अच्छी तनख्वाह मिलती थी, वो वहां काम करती थी। उसका मकसद करियर बनाना नहीं था, बल्कि अपना घर चलाना था। उसके पापा अलग रहते थे। भाई जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पढ़ाई में मन ना लगाकर उल्टे सीधे कामों में लगा रहता था। और उसकी माँ एक नंबर की लालची थी, जो किसी ना किसी बहाने से हंसिका से पैसे ही मांगती रहती थी। उसने झिझकते हुए जवाब दिया, मैं बस
ऐसे जो भी जॉब मिल जाती थी वहीं कर लेती थी। मेरा मतलब जो ज्यादा सैलरी देता था मैं उसके यहाँ काम कर लेती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब कामों में खुशी नहीं मिलती थी, पर करना पड़ता था। मैं पढ़ाई पूरी करके आपकी जैसी किसी कंपनी में जॉब करना चाहती थी, लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। ऐसा भी कई बार हुआ है कि मैंने एक साथ दो दो जगह जॉब करी, लेकिन फिर भी घर के खर्चे पूरे करना मुश्किल पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं हार गई हूँ या कमज़ोर पड़ गई हूँ। मुझे अभी भी बहुत कुछ करना है। देखना, एक दिन मैं अपनी पढ़ाई पूरी करूँगी और आपकी जैसी किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव भी बनूंगी। हंसिका की बातों में उदासी थी, पर मजबूरी के साथ साथ डिटर्मिनेशन भी था। अपनी बात पूरी करने के बाद वो सर झुकाकर खड़ी हो गई। वो अपनी बातें रंजन के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन जब रंजन ने उसे कंफर्ट जोन दिया तो वो बहती चली गई। लिफ्ट का माहौल टेंस्ड हो गया था। रंजन उसे ध्यान से देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे समझने की कोशिश कर रहा है। वो दोनों एकदम शांत खड़े हुए थे, तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुल गया और सामने खड़े एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, सर कॉन्फ्रेंस रूम में सब आपका वेट कर रहे हैं, जल्दी चलिए। उसकी बात सुनकर रंजन तेजी से बाहर निकलने लगा कि तभी कुछ सोचकर अचानक से रुक गया। उसके पीछे पीछे हंसिका भी बाहर निकली, जो रंजन के अचानक रुक जाने से उसकी पीठ से टकरा गई। उसके मुंह से जोर से चीख निकल गई। रंजन ने पलट कर देखा तो हंसिका की नाक से खून बह रहा था। उसने कहा, जल्दी से अपना सर ऊपर उठाओ। ये कहकर उसने अपनी जेब से रुमाल निकाला और उसकी नाक को कसकर दबा दिया। उसने जल्दी से हंसिका के हाथ से लैपटॉप लिया और ललित के हाथ में पकड़ा दिया। उसके बाद हंसिका को गोद में उठाकर सीईओ के कैबिन की तरफ ले गया। ये देखकर ललित का मुंह खुला का खुला रह गया। वो सोच रहा था, रंजन कपूर, जिसने आज तक एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियों को अपने पास भी नहीं भटकने दिया, वो एक लो प्रोफाइल लड़की को अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा है। उसने सोचा, ये तो ऑफिस के लिए बड़ी मसालेदार खबर है। क्यों ना इस ऐतिहासिक लम्हे को फोन में कैद करके उन लड़कियों को जलाया जाए जो ना जाने कब से रंजन को अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी। उसने अपना फोन निकाला ही था कि तभी अचानक उसे कोई बहुत जरूरी काम याद आ गया और वो तेजी से भागकर रंजन के पास पहुंचा और बोला, सर कॉन्फ्रेंस रूम में काफी देर से सब आपका वेट कर रहे हैं, आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं डॉक्टर को बुलाकर मैम का इलाज करा देता हूँ। रंजन ने गर्दन घुमाकर ललित की तरफ देखा और कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम मीटिंग में चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, मैं देर से पहुंचने के लिए सबको सॉरी बोल दूंगा। यस सर, ये कहकर वो तेजी से कॉन्फ्रेंस रूम की तरफ दौड़ गया। उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लड़की है कौन जिसके लिए रंजन डेलीगेट्स को वेट करा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हंसिका अपनी नाक पकड़े बैठी थी। वो रंजन से बोली, सर आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, मेरी वजह से अपना काम मत खराब कीजिए, मेरे साथ तो आज सुबह से सब कुछ उल्टा सीधा ही हो रहा है, आप अपनी 500 करोड़ की मीटिंग में जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हंसिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आज उसके साथ हो क्या रहा है। शादी गलती से हो गई तो हो गई, लेकिन ये इतना बड़ा आदमी उसे ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है? इसके आगे पीछे तो बॉलीवुड की हीरोइंस घूमती होंगी, फिर ये उसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है? रंजन ने कहा, हाथ हटाओ, मुझे तुम्हारी नाक देखने दो। ये कहकर वो हंसिका के चेहरे के बिल्कुल करीब आ गया। दोनों एक दूसरे की सांसों को महसूस कर रहे थे। हंसिका को उसकी सांसों की खुशबू आती हुई महसूस हो रही थी। वो रंजन की बड़ी बड़ी आंखों में देख रही थी। रंजन भी कुछ देर तक उसकी आंखों में देखता रहा। हंसिका ने आज पहली बार किसी आदमी को इतने करीब से देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था, उसके हाथ कांपने लगे थे। रंजन उसके और करीब आ गया। वो अब हंसिका के दिल की धड़कनों को साफ साफ सुन सकता था। हंसिका के चेहरे के एक्सप्रेशंस चेंज हो गए थे, लेकिन रंजन के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशंस नहीं थे। उसने हंसिका की नाक से रुमाल हटाया तो देखा कि उसकी नाक से खून निकलना बंद हो गया है। उसने ये कभी नहीं सोचा था कि उसकी पीठ से भी कोई घायल हो सकता है। उसने उसकी आंखों में देखते हुए बहुत धीरे से कहा, अब ठीक है, खून निकलना बंद हो गया है,
रंजन की आवाज हंसिका के कानों में गई तो उसके शरीर के रोंगटे खड़े हो गए। अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को छुपाने के लिए वो दूसरी तरफ देखने लगी। रंजन ने कहा, तुम यहीं आराम करो, मैं मीटिंग में जा रहा हूं। उसके जाने के बाद हंसिका ने लंबी सांस ली। उसने जैसा अभी महसूस किया था वैसा पूरी जिंदगी में कभी भी महसूस नहीं किया था। वो मुस्कुरा रही थी, उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम लड़का उसके इतने करीब था। वहीं दूसरी तरफ मीटिंग में रंजन के फोन पर मैसेज आया कि जिन जिन लोगों का हाथ हंसिका के भाई को किडनैप करने में था उन सभी को पुलिस ने पकड़ लिया है। मैसेज पढ़कर रंजन के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हंसिका सोफा पर आंख बंद करके बैठी हुई थी कि तभी उसकी माँ कामिनी का कॉल आया। उसने कॉल उठाया तो उसके कुछ बोलने से ही पहले उधर से कामिनी जोर से बोलने लगी, हंसिका ये क्या चक्कर है, तूने सुबह से क्या ड्रामा फैला के रखा है, और तूने मुझे क्यों नहीं बताया कि शिवम को किसी ने किडनैप किया था, और वो कौन लोग हैं जो इसे छुड़वा कर लाए, वो बता रहे थे कि तू किसी रंजन के साथ है, क्या चक्कर है ये सब, और तू है कहां अभी, हंसिका ने गुस्से से कहा। माँ तुमने आज तक घर से कोई कभी मतलब रखा है जो अभी पूछ रही हो कि मैं कहां हूं और ये क्या चक्कर है, तुम्हें दुनिया में पैसों के अलावा किसी और से प्यार ही कहां है, शिवम रात रात भर घर से गायब रहता है, तुमने कभी उससे पूछा कि वो कहां जाता है, मैं रात दिन काम करके घर के लिए पैसे कमाती हूं, तुमने कभी मुझसे पूछा कि मेरा क्या हाल है, मैं कहां नौकरी कर रही हूं और क्या काम करती हूं, तुम्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, मैं चाहे तुम्हारे हाथ में कहीं से भी पैसे लाकर रख दूं, आज शिवम जो तुम्हारे सामने जिंदा खड़ा है उसके लिए मैं आज सुबह से क्या क्या झेल रही हूं तुम्हें पता भी है, कामनी बोली। कर रही है तो क्या हम पर एहसान कर रही है, मैंने भी तो तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, मैंने तो अपना फर्ज निभाया और अब तू अपना निभा रही है, सभी बच्चे यही करते हैं, तू कोई तोप नहीं चला रही है, और एक बात सुन, तूने शादी कर ली तो तलाक ले ले, और अगर तलाक नहीं लेना है तो अपने पति को बोल दे हर महीने हमारे घर का खर्चा भेजता रहे, वैसे भी जिसने इतने आदमी पाले हुए हैं वो कोई गरीब आदमी तो होगा नहीं, उसे बोल देना हमें 1-2 करोड़ रुपए दे दे और फिर जहां चाहे वहां तेरे साथ रहे। हंसिका ये तो जानती थी कि उसकी माँ लालची है, लेकिन ये नहीं जानती थी कि वो इनडायरेक्टली अपनी बेटी की कीमत मांग रही है। हंसिका बोली, मैं जानती थी कि तुम लालची हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि पैसों के लिए अपनी उस बेटी को भूल जाओगी जो सालों से तुम्हारे घर को चला रही थी, तुम्हारी हर एक जरूरत को पूरा किया मैंने माँ, और एक बात सुन लो, मेरी शादी किसी से नहीं हुई है, एक गलत फहमी हो गई है, वो क्लियर होते ही मैं घर वापस आ जाऊंगी। उसकी माँ बोली, वाह बेटे, जब पैसों की बात हुई तो गलत फहमी हो गई, नहीं तो तू तो उसके साथ बढ़िया से गुलछर्रे उड़ा रही थी, हमें क्या पता तू कब से उसके साथ प्यार की पींगे बढ़ा रही होगी। हंसिका को कामनी की बातें बर्दाश्त नहीं हुई, उसने तुरंत कॉल कट कर दिया और फिर से आंखें बंद करके बैठ गई। कुछ देर बाद उसने जैसे ही कैबिन का दरवाजा खोला तो सामने खड़े लड़के को देखकर हैरान हो गई। उसके सामने उसके कॉलेज का सीनियर खड़ा हुआ था जो कभी उसका क्रश हुआ करता था। उसके मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो बस उसे देखी जा रही थी। वो लड़का बोला, हंसिका। उसकी आवाज सुनते ही हंसिका अपने सेंसेस में आई और बोली, राघव तुम। राघव उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, उसकी इसी स्माइल की तो वो दीवानी हुआ करती थी। वो आज भी पहले की तरह हैंडसम और कॉन्फिडेंट दिख रहा था, सूट में तो वो और भी अच्छा और मैच्योर दिख रहा था। हंसिका उसे बहुत पसंद करती थी, लेकिन कॉलेज छूटने के बाद उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं रहा। हंसिका ने कहा, कैसे हो राघव सर, बहुत दिनों बाद मिल रहे हो आज। राघव उसके नज़दीक आकर बोला, मिलता तो तब जब तुम कुछ बता कर जाती। ये सुनते ही हंसिका हैरानी से राघव को देखने लगी। क्या रंजन हंसिका को राघव से बात करते देख नाराज हो जाएगा, और क्या रंजन सच में हंसिका को हमेशा अपनी वाइफ बनाकर रखेगा। जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम।
Thank you.
Thank you.
रंजन जब हंसिका को गोद में उठाकर ले जा रहा था तो ललित उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। रंजन के मीटिंग में जाने के बाद हंसिका को वहां अपना सीनियर राघव मिल गया था। हंसिका ने जब उससे पूछा कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हो, तो राघव ने कहा, तुम अचानक से गायब हो गई थी तो मिलता कैसे? वो आगे बोला, मेरी एक लेटर की वजह से तुमने कॉलेज छोड़ दिया, सभी दोस्तों से बात करना छोड़ दिया। अगर इतनी ही प्रॉब्लम थी तो मुझे बता तो देती। हंसिका ने हैरानी से कहा, लेटर? तुम किस लेटर की बात कर रहे हो? हंसिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन से लेटर की बात कर रहा है। राघव भी उसे बड़ी हैरानी से देख रहा था। वो तो आज तक यही समझ रहा था कि उसके लेटर की वजह से हंसिका ने कॉलेज आना छोड़ दिया था। वो अब तक यही सोच रहा था कि उसके माँ बाप ने वो लेटर पकड़ लिया होगा और उसका कॉलेज छुड़वा दिया होगा। उसे इस बात का आज तक अफसोस था कि उसकी वजह से हंसिका का कॉलेज छूट गया था, लेकिन आज उसे पता लग रहा था कि वो लेटर उसे कभी मिला ही नहीं। हंसिका ने पूछा, बताओ राघव, तुम किस लेटर की बात कर रहे थे? राघव ने कहा, छोड़ो, वो पुरानी बात हो गई है, गड़े मुर्दे उखाड़ने का क्या फायदा। उसने पहली बार हिम्मत करके किसी लड़की को प्रपोज करने के लिए लेटर लिखा था, लेकिन वो हंसिका ने कभी पढ़ा ही नहीं। वो बहुत दिनों तक उसके जवाब जानने के लिए बेचैन था, लेकिन उसके बाद तो हंसिका ने कॉलेज ही छोड़ दिया था। राघव ने पुरानी यादों से बाहर निकलने के लिए और माहौल को थोड़ा हल्का करने के लिए कहा, अच्छा हंसिका सुनो, यहाँ एक बहुत शानदार रेस्टोरेंट है, वो छोले भटूरे भी कमाल के बनाता है। छोले भटूरे तुम्हारे फेवरेट भी है ना, चलो आज तुम्हें ट्रीट दे देता हूँ। ये कहकर उसने हंसिका का हाथ पकड़ लिया। हंसिका उसे मना करने ही वाली थी कि तभी उसने आवाज सुनी, राघव मेरी वाइफ का हाथ छोड़ो। राघव ने पलट कर देखा तो सामने से रंजन आ रहा था। वो हैरानी के साथ मन ही मन बोला, क्या हंसिका रंजन कपूर की वाइफ है? ये कब हुआ? ये कैसे हुआ? वो सोच रहा था कि इतने सालों बाद उसे वो लड़की मिली जिससे वो प्यार करता था, लेकिन क्या फायदा, तो वो रंजन की बीवी बन चुकी है। रंजन ने देखा कि राघव उसे बड़ी हैरानी से देख रहा है, तो उसने हंसिका के हाथ में हाथ डालकर कहा, क्यों, क्या हुआ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है? हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। हंसिका नहीं चाहती थी कि राघव उन दोनों के बारे में कुछ और सोचे, इसलिए वो रंजन से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन रंजन ने उसका हाथ कसकर पकड़ रखा था। हंसिका ने कहा, रंजन सही कह रहे हैं, लेकिन हम दोनों की शादी गलत फहमी से हुई है। ये सुनकर वो पहले तो कुछ नहीं समझा, लेकिन दूसरे ही पल हंसकर बोला, अच्छा तो तुम हो वो लड़की जो उस लड़की की तरह तैयार होकर आई जिससे रंजन शादी करने वाला था। कुछ देर पहले जब उसने सुना था कि हंसिका रंजन की वाइफ है तो उसका दिल टूट गया था, लेकिन जब उसे पता लगा कि रंजन की शादी गलती से हंसिका से हुई है तो उसे चैन पड़ गया। वो हंसकर बोला, ये तो बड़ी खूबसूरत गलती हो गई, चलो इसी बहाने आज हंसिका से मुलाकात हो गई, चलो तुम लोग तलाक लेकर इस मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म कर देना। वो आगे बोला, रंजन मेरी कजिन आज भी तुमसे शादी करने का सपना सजाए बैठी है, कहो तो उसे बोल दूं कि बारात की तैयारी कर ले। रंजन को ना राघव की बात अच्छी लगी और ना ही उसका बात करने का तरीका। राघव आगे बोला, रंजन मैं अपने एडवोकेट को बुला लेता हूँ, वो जल्द से जल्द तुम लोगों का डाइवोर्स करवा देगा। वो ये नहीं जानता था कि रंजन इस शादी को लेकर क्या सोच रहा है, वो इसे एक मिसअंडरस्टैंडिंग समझकर खुश हो रहा था। वो ये भी जानता था कि हंसिका और रंजन के स्टेटस में जमीन आसमान का अंतर है, वो कभी भी हंसिका को एज अ वाइफ एक्सेप्ट नहीं करेगा, शाम तक ही डाइवोर्स का प्रोसीजर शुरू करा देगा। उसकी बात सुनकर रंजन ने पहले हंसिका की तरफ देखा और उसके बाद उसने राघव को देखा और कुछ देर बाद सीरियस होकर बोला, मैं पहले भी कह चुका हूं और एक बार फिर कह रहा हूं, हंसिका ही मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी,
मैं इसे कभी भी डाइवोर्स नहीं दूंगा, और ये बात सभी को जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा होगा। रंजन की बात सुनकर राघव उसका चेहरा देखता रह गया। वो उसके एक्सप्रेशन से समझ गया था कि वो ये बात मजाक में नहीं बल्कि सीरियसली बोल रहा है। वो बोला, लेकिन रंजन तुम दोनों के बीच तो। राघव की बात पूरी होने से पहले ही किसी ने आवाज दी, राघव। हंसिका ने देखा कि सामने से एक पतली दुबली लड़की आ रही है। वो मन ही मन बोली, सच में आज का दिन बहुत ही खराब है, बस इसी के आने की कमी रह गई थी। वो उस लड़की की सूरत देखना पसंद नहीं करती थी, वो भी कभी उसकी सीनियर हुआ करती थी। उसने हंसिका को देख लिया था, लेकिन फिर उसे इग्नोर करके वो आते ही रंजन के हाथ में हाथ डालकर खड़ी हो गई। उसका नाम रोमी था और वो राघव की फियांसे थी। उसने राघव का हाथ पकड़ कर कहा, मैं कब से तुम लोगों का कैबिन में वेट कर रही थी, आई होप तुम लोगों का डिस्कशन अब ओवर हो गया होगा। उसके बाद वो हंसिका को देख कर बोली, राघव ये हंसिका जैसी लग रही है। नहीं, राघव ने कहा, ये हंसिका ही है। रोमी ने कहा, ओह बहुत सालों बाद नजर आ रही है ये। हंसिका को रोमी की नौटंकी देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था। रोमी कॉलेज में सीनियर थी, उसने अपनी फ्रेंड्स के साथ हंसिका को बहुत परेशान किया था, और उसका रीजन राघव था। राघव हंसिका को पसंद करता था और ये बात रोमी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बोली, हंसिका इतने सालों में तुम बिल्कुल नहीं बदली, पहले भी सरोजनी से कपड़े खरीदती थी और आज भी तुमने कुछ वहीं से खरीदा हुआ पहना है ना, क्या अभी भी बेरोजगार हो, कोई जॉब शॉप नहीं मिली तुम्हें? वो आगे हंसकर बोली, अरे मैं तो भूल ही गई थी, तुम्हारी तो पढ़ाई भी बीच में छूट गई थी ना। सच गरीबी बहुत बुरी चीज होती है। रोमी की बात सुनकर रंजन को गुस्सा आने लगा था। राघव उसके एक्सप्रेशन समझकर बोला, रोमी ये क्या बकवास कर रही हो। रोमी ने उसके गाल पर उंगली फेरते हुए कहा, तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है राघव? हंसिका जानती थी कि रोमी उसे बेइज्जती करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। रोमी बहुत अमीर परिवार से थी, उसके लिए किसी की भी इंसल्ट करना कोई बड़ी बात नहीं थी, और वो इस बात के लिए पूरे कॉलेज में मशहूर थी। उसे कॉलेज की सबसे घमंडी और बदतमीज लड़की कहा जाता था। हंसिका उससे कभी दबती नहीं थी, इसलिए रोमी उससे और भी ज्यादा चिढ़ती थी। रोमी की बातें सुनकर हंसिका को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन में थी कि उसे जवाब नहीं दे सकती थी, नहीं तो इस बदतमीजी के लिए उसने उसके गाल पर तमाचा भी जड़ दिया होता। हंसिका को राघव और रोमी की एंगेजमेंट की खबर बहुत पहले ही मिल गई थी। उसने देखा कि रोमी अभी भी हाथ में एंगेजमेंट रिंग पहनी हुई है, पर गले में मंगलसूत्र नहीं है। उसने अंदाजा लगाया कि उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसने रोमी को जलाने के लिए कहा, हाँ रोमी बहुत साल हो गए हम लोग को मिले हुए, और सरोजनी नगर आज भी शॉपिंग के लिए मेरी फेवरेट स्ट्रीट जगह है। मैं बिल्कुल नहीं बदली, पहले जैसी थी वैसे भी अभी हूँ। तुम्हारा स्टेटस शायद बदल गया होगा, अब तक तुम मिस रोमी से मिसेस राघव बन गई होगी। ये सुनकर रोमी को बहुत गुस्सा आ गया। रोमी की जिंदगी का एक ही सपना था, और वो था राघव से शादी करना। जब राघव ने उससे इनकार किया था, तो रोमी ने अपने स्टेटस का फायदा उठाकर उसका करियर बर्बाद करना शुरू कर दिया था, इसलिए राघव ने उससे एंगेजमेंट कर ली थी। हंसिका की बात से रोमी का मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था। वो कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही राघव बोल पड़ा, हंसिका तुम प्लीज कुछ गलत मत समझना, मेरी रोमी के साथ एंगेजमेंट सिर्फ एक डील है, मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। रोमी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। राघव ने हंसिका के सामने ये कहा कि वो उसे पसंद नहीं करता। वो गुस्से में उससे बोली, डील? कैसी डील? तुम्हें ये एंगेजमेंट डील लगती है? वो राघव को खा जाने वाली नजरों से देख रही थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो जानती थी कि उनकी शादी उन दोनों परिवारों के बीच किसी डील का हिस्सा है। हालांकि वो राघव को दिल से चाहती थी, लेकिन राघव उसे घास भी नहीं डालता था। हंसिका ने देखा कि वहां गुस्से का माहौल बन गया है, और इसका कारण वो खुद को मान रही थी। अगर उस वक्त वो नहीं होती तो किसी का भी मूड खराब नहीं होता। अब उसने भी रंजन का हाथ कसकर पकड़ लिया था। वो जानती थी कि रोमी उसे हमेशा से नफरत करती आई है, इसलिए उसके सामने उसे राघव का बिहेवियर और भी ज्यादा बुरा लगा। रोमी ने कसकर राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोमी जिद पर अड़ी हुई थी।
वो उसका हाथ ही नहीं छोड़ रही थी। वो अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रहा था और हंसिका की तरफ देख रहा था। वो नहीं चाहता था कि हंसिका को उन दोनों के रिश्ते के बारे में कोई गलत फहमी हो। वो उसे ये दिखाना चाह रहा था कि वो रोमी को पसंद नहीं करता, उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता था। उसने कहा, रोमी क्या कर रही हो? रोमी ने कहा, क्यों, क्या हुआ, मेरे साथ नहीं चलना? फिर वो हंसिका की तरफ देखकर बोली, क्यों मुझे छोले भटूरे नहीं खिलाओगे, मेरे भी फेवरेट है वो तो। राघव को समझ नहीं आ रहा था कि रोमी ने उसकी और हंसिका के बीच की बातें कैसे सुन ली। वो बोला, रोमी ये क्या बच्चों की तरह हरकत कर रही हो? रोमी बहुत जोर से हंसकर बोली, ये बच्ची ही तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का खेल बिगाड़ देगी, एक बार ध्यान से सोच लो। ये कहकर वो फिर से हंसने लगी। रोमी की ये धमकी सुनकर राघव का गुस्सा शांत हो गया। उसने अपने परिवार की वजह से ही रोमी से शादी के लिए हाँ कहा था। वो अपने परिवार को दांव पर लगाकर अपने मन की नहीं कर सकता था। वो रोमी से चाह कर भी पीछा नहीं छुड़ा सकता था और ये बात रोमी अच्छे से जानती थी, इसलिए राघव कभी भी उसकी कैद से बाहर नहीं निकल पाया। जब राघव ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया तो रोमी ने कसकर उसका हाथ पकड़ा और मुस्कुराकर हंसिका की तरफ देखकर कहा, हंसिका चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी मिसेज राघव बन जाऊंगी, मैं तुम्हें अपनी शादी में जरूर बुलाऊंगी, वहां तुम्हें पेट भरकर खाना भी खिलाऊंगी और ब्रांडेड कपड़े भी दान दे दूंगी। ये कहकर उसने राघव की तरफ देखकर कहा, है ना राघव? रंजन काफी देर से खड़ा रोमी की नौटंकी देख रहा था। वो तेज आवाज में गुस्से से बोला, रोमी जबान संभाल कर बात करो, हंसिका मेरी वाइफ है, उसके खिलाफ मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगा। ये सुनते ही रोमी के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बहुत ही हैरानी से रंजन को देख रही थी, उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने अभी क्या सुना? उसने अपना सर जोर से झटका, उसे लग रहा था कि उसने कुछ गलत सुन लिया है, रंजन ने कुछ और ही कहा होगा। रंजन ने फिर से कहा, इतना सर झटकाने की जरूरत नहीं है, तुमने जो सुना है वो सच है, कुछ घंटों पहले ही हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ बने हैं। उसके बाद तो वहां एकदम सन्नाटा छा गया। राघव तो इस बात को जानता था, उसे अफसोस इस बात का था कि वो जिससे सच्चा प्यार करता था वो रंजन की हो गई थी। कुछ देर पहले उसकी उम्मीद जागी थी लेकिन अगले ही पल उसने दम तोड़ दिया। हंसिका भी एक बार फिर हैरान हो गई थी, उसने आज दिन में तीसरी बार ये बात रंजन के मुंह से सुनी थी। अभी तक वो सोच रही थी कि रंजन उसे डाइवोर्स दे देगा, लेकिन अब उसे ऐसा नहीं लग रहा था। रंजन को अपनी तरफ से बोलता देख उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया। वो बोली, रोमी मैं तुम्हारे इनविटेशन का इंतजार करूंगी, जल्दी इनवाइट करना, 10-20 साल ना लगा देना। ये कहकर वो रोमी को मुस्कुराकर देखने लगी। क्या होगा हंसिका और रंजन की एक्सीडेंटल मैरिज का, और क्या राघव भी हंसिका को पाने की कोशिश करेगा? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज ओनली ऑन पॉकेट FM। रोमी ने राघव का मुंह फैमिली की धमकी देकर बंद कर दिया था। वहीं जब रोमी को पता चला कि रंजन ने हंसिका से शादी कर ली है तो वो बहुत हैरान हो गई थी। हंसिका ने उससे कहा कि अपनी शादी में बुलाने में 10-20 साल मत लगा देना। ये सुनकर रोमी को गुस्सा आ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे हंसिका ने उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। उसकी और राघव की एंगेजमेंट हुए 3 साल हो गए थे लेकिन शादी अभी तक नहीं हुई थी। वो सोच रही थी कि उसने हंसिका के बारे में गलत अनुमान लगाया था। वो 3 साल में शादी नहीं कर पाई थी और हंसिका ने रंजन जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से शादी भी कर ली। इस हिसाब से तो हंसिका का अचीवमेंट उससे कहीं ज्यादा था, लेकिन उसे इस बात का अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि हंसिका जैसी लो प्रोफाइल लड़की से रंजन शादी कैसे कर सकता है। वो बोली, रंजन जी मैं क्या सुन रही हूँ, तुमने इससे शादी की है? कहाँ तुम और कहाँ ये, मतलब तुम्हारी चॉइस को क्या हो गया है? वर्ल्ड क्लास ब्रांड पसंद करने वाला इंसान भला सरोजनी के कपड़े कैसे पहन सकता है? उसे उन दोनों की जोड़ी भी बड़ी अजीब लग रही थी। रंजन की गिनती इंडिया के टॉप 10 बिजनेसमैन में होती थी और हंसिका एक लोअर मिडिल क्लास लड़की थी। उन दोनों का कोई मैच था ही नहीं। रंजन ने उससे कहा, ये जैसी भी है अब मेरी वाइफ है,
और मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा कि कोई मेरे सामने मेरी वाइफ से ऊंचा बोले या फिर उसकी इंसल्ट करे। हंसिका को रंजन की बातें बहुत अच्छी लग रही थी, उसे उसका साथ अब अच्छा लगने लगा था। कुछ पल को वो भूल ही गई थी कि उसकी शादी रंजन से कैसे हुई थी। अब उसे वो अपने पति के जैसा लग रहा था, जो उसका ख्याल रख रहा था, उसके लिए रोमी को डांट रहा था। वो अब रंजन की आंखों में देखकर उस पर प्राउड फील कर रही थी। रोमी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि रंजन उसका हाथ पकड़े हुए है और वो बहुत खुश है और उस पर हंस रही है। ये सब देख वो गुस्से से बोली, हंसिका तू ज्यादा खुश मत हो, ये तेरी खुशी सिर्फ 4 दिन की चांदनी है, उसके बाद तेरी जिंदगी में फिर से अंधेरी रात आ जाएगी। तो जैसी गरीब लड़कियों को अमीर लड़के अपने एंटरटेनमेंट के लिए रखते हैं और जब उनका मन भर जाता है ना तो पुराने कपड़े की तरह उतार कर फेंक देते हैं। इसलिए इंसान को रिश्ता भी कभी अपनी औकात से बाहर नहीं बनाना चाहिए। उसकी बात सुनकर हंसिका को बहुत गुस्सा आ गया था। वो उसे जवाब देने के लिए कुछ कहती, उसके पहले ही रंजन उस पर बरस पड़ा। वो चीख कर बोला, रोमी मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हंसिका अब मेरी वाइफ है, उससे जुबान संभाल कर बात कर लो। लगता है तुम्हारे भेजे में ये बात घुस नहीं रही है। तुम्हारा मुंह बंद करने के लिए मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। उसकी तेज आवाज से रोमी कांप गई, उसके चेहरे पर पसीना आ गया था। रंजन ने आगे कहा, एक बात और कान खोलकर सुन लो, मैं दोबारा नहीं कहूंगा। हंसिका मेरी वाइफ है और हमेशा रहेगी, मैं कभी भी उसे डाइवोर्स नहीं दूंगा। रंजन जितनी बार ये बात कहता था, हंसिका का दिल धड़क जाता था। उसके मन में बार बार एक ही सवाल आ रहा था, आखिर रंजन ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो उससे आज पहली बार अचानक से मिला था, उनकी शादी भी एक एक्सीडेंट है। कुछ घंटों में कोई इंसान किसी को अपनी वाइफ कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, और वो भी इतना अमीर इंसान। ऐसा क्या देख लिया इसने मुझ में, ऐसी कौन सी जिद है ये इसकी? वहीं रोमी भी रंजन की बात को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन रंजन के गुस्से से उसे ये बात साफ साफ समझ आ गई थी कि वो हंसिका को लेकर बहुत सीरियस है। उधर राघव अपना सर झुकाए बड़े अफसोस में खड़ा हुआ था। वो इस ख्याल से बाहर ही नहीं निकल पा रहा था कि जिस लड़की के उसने सपने देखे थे वो आज किसी और की हो गई है, और उसकी खुद की एंगेजमेंट जिस लड़की से हुई है उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं करता। रंजन ने एक बार गुस्से से रोमी और राघव की तरफ देखा और फिर हंसिका को देखकर कहा, चलो चलते हैं। हंसिका समझ गई थी कि रंजन अब उन दोनों के सामने ज्यादा देर तक रुकना नहीं चाहता है। वो रोमी को घूरते हुए रंजन के साथ वहीं से चली गई। रोमी ने उससे धीरे से कहा, ज्यादा खुश मत हो तू, जल्दी ही अपनी औकात में वापस आ जाएगी। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि उसे सिर्फ हंसिका ही सुन पाई थी। हंसिका ने उससे कुछ नहीं कहा, उसने जाते जाते रोमी की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया, जिससे रोमी के तन बदन में आग लग गई थी। उससे रहा ही नहीं गया, वो जोर से बोल पड़ी, तो उसके हाथ में एक खिलौने से ज्यादा कुछ नहीं है। सब जानते हैं कि मिस्टर रंजन कपूर किस लड़की को पसंद करते हैं। हंसिका ने रोमी की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और रंजन के साथ आगे चली गई, लेकिन रंजन ने पलट कर रोमी को घूर कर देखा, पर कहा उसने कुछ भी नहीं। उसके चेहरे से पता चल रहा था कि वो रोमी की आज की हरकत से कितना गुस्सा है। रोमी हंसिका और रंजन की शादी के बारे में जानकर बड़े शौक में थी। उसे इस बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि रंजन उस 2 कौड़ी की हंसिका की वजह से उससे गुस्सा हो रहा था। रोमी का गुस्सा शांत ही नहीं हो रहा था। वो अचानक से राघव पर बरस पड़ी, तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या उसकी शादी रंजन से हो गई है, फिर भी उसके सपने क्यों देख रहे हो? वो 3 साल से राघव के साथ थी और इस बात को अच्छे से जानती थी कि वो हंसिका को अभी तक नहीं भूला है। वो इस वक्त खुद को बहुत लूटा हुआ सा महसूस कर रही थी। एक तो रंजन ने उसे डांट दिया था, दूसरा राघव अभी तक हंसिका के बारे में ही सोच रहा था। वो राघव का हाथ पकड़कर उसकी आंखों में देखकर बोली, राघव एक बात सुन लो, मेरे अलावा तुम्हारी बीवी और कोई नहीं बन सकती, और तुम इस बात को अपने दिमाग में अच्छी तरह बैठा लो। राघव उसकी आंखें देखकर घबरा गया था, उसकी आंखें लाल सुर्ख थी, उसके चेहरे पर भयंकर गुस्सा था। उसके बाद रोमी वहां से जाने लगी, जाते हुए भी वो बड़बड़ा ही रही थी, हंसिका तुझे तो मैं देख लूंगी। वहीं दूसरी तरफ हंसिका मर्सिडीज में बैठी हुई रंजन के साथ कहीं जा रही थी। रंजन गाड़ी ड्राइव कर रहा था और हंसिका उसके पास बैठी हुई थी। वो रंजन को बड़े गौर से देख रही थी। वो जिस तरह से उसे ट्रीट कर रहा था उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे उसमें अब अपनापन नजर आने लगा था।
उसके लिए आज तक ऐसा कभी कोई नहीं लड़ा था। यहाँ तक कि उसकी माँ ने कभी उसका इतना साथ नहीं दिया था जितना कि आज रंजन ने दिया था। धीरे धीरे शाम होने लगी थी। उनकी गाड़ी इंडिया गेट से गुजरती हुई मेहरौली की तरफ जा रही थी। दिल्ली की शाम रंगीनियत की तरफ बढ़ने लगी थी। लाइट्स ऑन हो गई थी। दिल्ली दिन में जितनी खूबसूरत दिखती है उससे कहीं ज़्यादा वो रात को खूबसूरत दिखती है। शाम से ही वहाँ की फिजाओं में रोमांस बिखरना शुरू हो जाता है और सुबह होने तक दिल्ली का सुरूर बरकरार रहता है। हंसिका ने रंजन से पूछा, आप कहाँ ले जा रहे हो मुझे? रंजन ने बिना उसकी तरफ देख के कहा, तुम्हारे घर। हंसिका ने यह सुनकर उसकी तरफ देखा। उसने बचपन से दिल्ली को बहुत नज़दीक से देखा था। उसे ये अच्छे से पता था कि कौन सा रास्ता कहाँ लेकर जाता है। वो बोली, लेकिन ये रास्ता मेरे घर का नहीं है। रंजन ने कहा, अब मेरा ही घर तुम्हारा घर है, हम अपने घर जा रहे हैं। हंसिका ये सुनकर घबरा गई। वो बोली, नहीं नहीं नहीं, मैं आपके घर नहीं जा सकती। आप प्लीज़ मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं खुद अपने घर चली जाऊँगी। रंजन ने कहा, तो क्या तुम वापस अपनी लालची माँ के पास जाना चाहती हो? ये सुनकर हंसिका तंग रह गई। वो सोच रही थी कि रंजन को उसकी माँ के बारे में कैसे पता है। वैसे वो भी अपनी माँ से बहुत परेशान हो चुकी थी, लेकिन वो जैसी भी थी, थी तो आखिर उसकी माँ ही, वो इस बात को कैसे इग्नोर कर सकती थी। वो बोली, देखिए रंजन जी, आज दिन भर जो भी कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है। मेरी वजह से आपको जितनी भी परेशानियाँ हुई हैं उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। हमारी शादी एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी, आप उसे इतना सीरियसली मत लीजिए। मैं आपके स्टैंडर्ड की हूँ ही नहीं, आपको सोसाइटी में हर जगह मेरी वजह से बात सुननी पड़ेंगी। आप प्लीज़ समझने की कोशिश कीजिए, हम कल ही किसी वकील से डाइवोर्स की बात कर लेंगे। अब आप मुझे यहीं ड्रॉप कर दीजिए, मुझे अपने घर जाने दीजिए, मैं आपके घर नहीं जा सकती। ये कहकर वो अपनी सीट बेल्ट निकालने लगी। रंजन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ये बातें सुनी ही नहीं। हंसिका ने फिर कहा, रंजन जी प्लीज़ मुझे यहाँ उतार दीजिए। इस बार रंजन ने ज़ोर से ब्रेक मारकर गाड़ी रोक दी। उसके बाद गाड़ी साइड में लगा दी। हंसिका सोच रही थी कि रंजन उसे वहाँ ड्रॉप कर रहा है। उसने नीचे उतरने के लिए अपना हैंडबैग पकड़ लिया, लेकिन उसी वक्त रंजन उसके ऊपर झुककर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखने लगा। हंसिका सकपका गई। रंजन ने उसे कहा, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, इसे ध्यान से सुन लो और अपने दिल और दिमाग में अच्छे से बैठा लो। हमारी शादी चाहे किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुई हो, चाहे किसी कोइंसिडेंस की वजह से हुई हो, लेकिन हमारी शादी हुई है और हम दोनों लीगली हस्बैंड वाइफ हैं। और अब तुम मिसेज रंजन कपूर हो, कपूर ग्रुप ऑफ कंपनीज के डायरेक्टर रंजन कपूर की बीवी, और कपूर विला ही तुम्हारा घर है। मेरे ख्याल से अब ये बात तुम्हें अच्छे से समझ आ गई होगी, और मैं उम्मीद करूँगा कि तुम दोबारा इस बारे में मुझसे कोई बात नहीं करोगी। ये कहकर उसने हंसिका के कुछ भी कहने का वेट नहीं किया और गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। उसने जिस तरह से हंसिका से बात की उसकी आगे बोलने की हिम्मत ही नहीं पड़ी। वो सोच रही थी, इन्हें क्या हो गया है कि मुझे अपनी बीवी मानने पर क्यों तुले हैं? मैं कहीं से इनके लायक नहीं हूँ। हंसिका अपने ख्यालों में खोई ही हुई थी और रंजन चुपचाप ड्राइव कर रहा था। इस समय गाड़ी में एकदम हंसिका की अब रंजन को देखने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। आधे घंटे के बाद रंजन ने गाड़ी एक गेट के सामने जाकर रोक दी। गेट ऑटोमेटिकली खुल गया और कार उसके अंदर चली गई। हंसिका को लगा कि वो किसी घर में नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े खूबसूरत गार्डन में आ गई हो। कार काफ़ी देर तक गार्डन में बनी पतली सी सड़क पर चलती रही, फिर एक बहुत ही सुंदर बंगलों के सामने आकर रुक गई। रंजन ने गाड़ी का इंजन बंद कर दिया और हंसिका की तरफ बिना देख के बोला, अंदर चलो। उसने गाड़ी से उतरकर देखा तो हैरान रह गई। इतने बड़े और खूबसूरत घर के बारे में तो वो कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। रंजन ने उसकी तरफ देखकर कहा, अब क्या यहीं खड़ी रहोगी, अंदर चलो। उसकी आवाज़ सुनकर हंसिका उसके पीछे पीछे चल दी। कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक से रुककर बोली, क्या इस तरह तुम्हारे पेरेंट्स से मिलना ठीक रहेगा? ये कहकर उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। रंजन उसके कहने का मतलब समझ गया था।
उसने कहा, ये मेरा घर है, मैं मेड को बोलता हूँ, वो तुम्हारे लिए कपड़ों का इंतजाम कर देगी, उसके बाद मैं तुम्हें अपने दादाजी से मिलवाने ले जाऊँगा। ये सुनकर हंसिका की जान निकल गई। पहले वो इस बात को लेकर परेशान थी कि रंजन इतना अमीर आदमी है, उसे देखकर उसके घर वाले कैसे रिएक्ट करेंगे। वो तो उसके कपड़े देखकर ही समझ जाएंगे कि उसका और रंजन का कोई मैच नहीं है, और ये भी हो सकता है कि वो उसकी इंसल्ट भी कर दे। जब रंजन के दादाजी हंसिका को देखेंगे तो उनका रिएक्शन क्या होगा, और क्या वो उसे रंजन की वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करेंगे? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम। रोमी को फटकारने के बाद रंजन हंसिका को अपने घर ले गया था। हंसिका बहुत मना कर रही थी, लेकिन रंजन ने उसकी बात नहीं सुनी। रंजन को देखकर वहां कई सारे नौकर आकर खड़े हो गए। उसने उन सभी को देखकर कहा, ये मेरी वाइफ है और आज से ये यहीं रहेंगी। उसकी बात सुनकर सभी ने हंसिका को विश किया। एक नौकर ने कहा, वेलकम मैम, वेलकम। हंसिका ने मुस्कुरा कर कहा, थैंक यू। उसने आज तक ऐसा ट्रीटमेंट नहीं देखा था। वो झिझक भी रही थी और उसे अच्छा भी लग रहा था। रंजन ने एक नौकर से कहा, इनके साइज के कपड़ों का तुरंत इंतजाम करो। उसने कहा, जी सर, जी। उसके बाद उसने हंसिका को ऊपर से नीचे तक देखा तो हंसिका ने अपने सीने पर दोनों हाथ रख लिए। रंजन ने एक नौकरानी की तरफ देखकर कहा, सावित्री, मैडम को घर दिखा दो और यहाँ के बारे में सब कुछ समझा दो। मैं ऊपर जा रहा हूँ, चेंज करके थोड़ी देर में आता हूँ। ये कहकर वो जल्दी से लिफ्ट की तरफ चल दिया। सावित्री की उम्र करीब 50 साल की थी। वो बहुत समय से रंजन के यहाँ काम कर रही थी। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी। वो हंसिका से बोली, आइए मैडम, मेरे साथ आइए। हंसिका को मैडम शब्द सुनना बड़ा अजीब लग रहा था। वो पूरी ज़िंदगी दूसरों को मैडम मैडम बोलते आई थी। उसे ये शब्द कहने की आदत थी पर सुनने की नहीं। वो मेड से बोली, सावित्री, तुम मैडम कहने के बजाय मुझे मेरे नाम से पुकारो, मेरा नाम हंसिका है। ये सुनकर सावित्री उसकी तरफ देखकर बोली, नहीं मैडम, ये नहीं हो सकता, आप रंजन बाबू की पत्नी है, आपको आपके नाम से कैसे बुला सकते हैं, आपको तो हम मैडम ही कहेंगे। फिर हंसिका ने कुछ भी नहीं कहा, और वैसे भी इस घर और माहौल में वो नई थी। उसे वहाँ का कल्चर और रहन सहन का कुछ नहीं पता था, इसलिए उसने सोचा कि मुंह बंद रखना ही सही रहेगा। वो चुपचाप सावित्री के साथ जा रही थी। इधर उधर देखते हुए वो मन ही मन सोच रही थी, कितना बड़ा घर है रंजन का, ये खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। उसे लग रहा था कि अगर सावित्री साथ में नहीं होती तो वो वहाँ कहीं खो जाती। वो हैरान तो थी बट लेकिन अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आने दे रही थी। सावित्री को भी ये अच्छा लग रहा था कि हंसिका बोल नहीं रही है। अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो शायद उसका दिमाग खा जाती। सावित्री ने कहा, मैंने रंजन बाबू को बड़े होते हुए देखा है, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि उन्होंने शादी कर ली। हंसिका को समझ नहीं आ रहा था कि वो सावित्री को क्या कहे। वो उसे बताना चाहती थी कि वो उसे इतना सीरियसली ना ले, उसकी शादी शादी नहीं है बल्कि एक गलत फहमी है। सावित्री की बातों से उसे ये समझ आ गया था कि वो रंजन और उसके परिवार के बारे में बहुत कुछ जानती है। उसने पूछा, सावित्री, रंजन के घर वाले कैसे हैं? उसने सोचा कि रंजन के पेरेंट्स से मिलने से पहले उनके बारे में कुछ पता चल जाए तो अच्छा रहेगा, और वो उनके हिसाब से खुद को तैयार कर लेगी। सावित्री ने उसे बताया, रंजन बाबू की माँ बहुत सालों पहले ही गुजर गई थी। उनकी अपने पापा विजय कपूर के साथ कुछ खास नहीं बनती। उनका एक सौतेला भाई भी है, अमन कपूर। रंजन बाबू परिवार में एक ही इंसान से सबसे करीब है, वो उनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो है उनके दादाजी राम कपूर। अब उसकी समझ में आ गया था कि रंजन ने उसे अपने दादाजी से मिलवाने के लिए क्यों कहा था। सावित्री ने हंसिका को देखकर कहा, मैडम, आप रंजन बाबू का अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें खूब प्यार देना, पिछले कुछ सालों से वो परेशान है। उसकी बात सुनकर हंसिका मुस्कुरा दी। उसके बाद सावित्री ने एक कमरे के दरवाजे के बाहर रुककर कहा, मैडम, ये कमरा है आपका। ये कहकर वो वहीं रुक गई और हंसिका दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। उस बेडरूम की खूबसूरती देखकर हंसिका बहुत खुश हो गई थी। रूम बहुत बड़ा था
वहाँ एकदम बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सा राउंड शेप का बेड था। रूम का इंटीरियर भी बहुत सुंदर था। वो रूम के अंदर इधर उधर देख रही थी कि तभी अचानक से बाथरूम का दरवाजा खोलकर रंजन बाहर आ गया। उसे देखकर हंसिका की आंखें खुली की खुली रह गई। रंजन नहाकर बाहर निकला था। उसके बाल भीगे हुए थे और बदन पर सिर्फ टॉल था। उसका शरीर शीशे की तरह चमक रहा था। पानी की बूंदे उसके फ्लैट पेट पर मोतियों की जैसे दिख रही थी। हंसिका बिना पल के झपकाए रंजन को देख रही थी। उसने आज तक किसी लड़के को ऐसी हालत में नहीं देखा था। रंजन को देखकर उसका दिल जोर से धड़कने लगा। रंजन ने मुस्कुराकर कहा, मैडम देखो तुम्हारे मुंह से लार टपक रही है। ये सुनते ही हंसिका सकपक आ गई। उसने जल्दी से अपने होठों को साफ किया, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वो तुरंत ही रंजन की बात सुनकर समझ गई कि उसका कहने का क्या मतलब था। शर्म से उसका चेहरा लाल हो गया था। उसने तुरंत ही अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो मन ही मन सोच रही थी कि उसे क्या हो गया था। वो रंजन के शरीर को क्यों घूर कर देख रही थी। वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही थी। रंजन ने हंसकर कहा, मन भर गया या अभी और देखना है। हंसिका बोली, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरा ध्यान कहीं और था। मैं जाती हूँ, आप तैयार हो जाओ। ये कहकर वो तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगी। तो रंजन ने उससे कहा, जा कहाँ रही हो, तुम्हारे कपड़े यहीं हैं, चेंज कर लो। ये सुनते ही हंसिका का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मन ही मन सोच रही थी, कहीं रंजन ये ना बोल दे कि मेरे सामने ही कपड़े चेंज करो, मैं ऐसा हरगिज नहीं कर पाऊंगी। अब उसे ये भी एहसास हो रहा था कि उसे इस तरह रंजन को नहीं देखना चाहिए था, लेकिन वो जैसा सोच रही थी वैसा था नहीं। रंजन हंसिका को देखते हुए कमरे से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद हंसिका ने चैन की सांस ली और मन ही मन बोली, मुझसे बड़ी बेवकूफ लड़की इस दुनिया में नहीं होगी, खुद ही मुसीबत को दावत दे रही थी। उसने रूम के अंदर एक दरवाजा खोला तो उसे देखकर हैरान रह गई। वो कमरा भी बेडरूम के जितना ही बड़ा था और कपड़ों और फुटवेयर से भरा हुआ था। वो मन ही मन सोच रही थी, रंजन के नौकर तो बहुत तेज है, जरा सी देर में इतना सब इंतजाम कर दिया। उसने देखा कि सारे कपड़े ब्रांडेड थे। उसे उन कपड़ों के सामने अपने कपड़े देखकर बहुत बुरा लग रहा था। उसे रंजन के दादाजी से मिलने जाना था, इसलिए वो कोई अच्छी सी ड्रेस पहनना चाह रही थी। इतने सारे कपड़े उसके सामने थे कि उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या पहने और क्या नहीं। वहाँ इंडियन और वेस्टर्न वेयर की बड़ी वेराइटी थी। पहले उसने सोचा कि दादाजी के सामने साड़ी पहनकर जाना सही रहेगा। फिर उसके मन में आया कि कपूर खानदान इतना अमीर और मॉडर्न है, उन्हें इन सब से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कि उसने साड़ी पहनी है या फिर वेस्टर्न ड्रेस। उसने साड़ी को साइड में रखकर ग्रीन कलर की लॉन्ग वेस्टर्न ड्रेस निकाल ली। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर निकली तो ना साड़ी पहनी हुई थी और ना ही वेस्टर्न ड्रेस। उसने एक सिंपल सा सलवार सूट पहना हुआ था। उसके बाद वो नीचे चली गई। उसने देखा कि रंजन पहले से ही तैयार होकर सोफे पर बैठा था। उसने अब सूट नहीं पहना हुआ था। उसने वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसकी स्लीव्स फोल्ड की हुई थी और ब्लू जीन्स। वो हंसिका को किसी मॉडल के जैसा लग रहा था। वो उसके सामने जाकर खड़ी हो गई और बोली, आपके दादाजी के सामने जाने के लिए ये कपड़े ठीक है ना। रंजन ने उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसने अपने हाथ की घड़ी देखी और सोफे से खड़ा होकर बोला, चलो चलते हैं। रंजन टाइम को लेकर बहुत पंचुअल था। अगर हंसिका की जगह कोई और होता तो इतना टाइम लगाने पर वो उसे ना जाने कितनी बातें सुनाता। गाड़ी में बैठकर वो बोला, तुम्हें थोड़ा मेकअप और हेयर स्टाइल की ज़रूरत है, किसी सैलॉन में चलते हैं। हंसिका ने मिरर में खुद को देखकर कहा, क्या ज़रूरत है, मैं ठीक तो लग रही हूँ। उसे लग रहा था कि वो आज बहुत सुंदर लग रही है। उसने अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा मेकअप किया था। रंजन ने कुछ देर बाद एक बहुत ही बड़े सैलॉन के सामने गाड़ी रोक दी और बोला, मेरे साथ आओ। हंसिका ने जैसे ही सैलॉन के अंदर कदम रखा तो बोली, ये सैलॉन है, ये तो किसी महल के जैसा लग रहा है, इतना खूबसूरत है ये। रंजन को देखते ही एक आदमी बाहर दौड़ता हुआ आया और दूर से ही बोला, ओहो रंजन जी, बहुत दिनों के बाद दर्शन हो रहे हैं आपके, मुझे तो खुशी इस बात की है कि आप मेरा सैलॉन नहीं भूले। बताइए कैसी सेवा करूं मैं आपकी।
रंजन ने हंसिका की तरफ देखकर कहा, टोनी इन्हें थोड़ा और स्टाइलिश बना दो। ये सुनते ही उसने हंसिका की तरफ देखा तो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस ऐसे हो गए जैसे उसने कोई बहुत ही बुरी चीज़ देख ली हो। वो रंजन को साइड में ले जाकर बोला, इसके शरीर पर इस सूट के अलावा और कुछ भी ठीक नहीं है। ये सुनकर रंजन को बहुत तेज़ गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपना गुस्सा दबा दिया। टोनी हंसिका को ऊपर से नीचे तक देखकर बोला, अब आप इसे साथ में ले ही आए हैं तो कुछ ना कुछ तो कर ही देंगे इसका। एक बात बताइए, आपने अपनी सेक्रेटरी क्यों बदल दी? अच्छी खासी तो थी वो, ये तो मुझे बहुत बकवास लग रही है। ये सुनकर रंजन का गुस्सा बहुत बढ़ गया। वो बोला, जुबान संभाल कर बात कर टोनी, तुझे जो कह रहा हूँ वो कर, अगर नहीं कर सकता है तो बता दे, मैं यहाँ तेरी बकवास सुनने नहीं आया हूँ। ये मेरी वाइफ है, मैं इसे एक फैमिली गेट टुगेदर में लेकर जा रहा हूँ, अगर तू स्टाइलिंग कर सकता है तो कर, नहीं तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। टोनी बोला, अरे अरे भाई तुम तो नाराज हो गए, तुम जैसा कहोगे वैसे ही होगा, लेकिन भाई पहले ये बताओ कि तुमने शादी कब कर ली और मुझे क्यों नहीं बुलाया? मेकओवर के लिए टोनी के अलावा किसी और को बुलाया था क्या? रंजन ने कहा, टोनी मेरे पास अभी ये सब बताने का टाइम नहीं है, मुझे जल्दी कहीं पहुंचना है। टोनी ने कहा, ठीक है बॉस, भाभी को अभी तैयार करके लाता हूँ। ये कहकर वो हंसिका को अपने साथ ले गया और रंजन बाहर सोफे पर बैठकर मैगजीन पढ़ने लगा। टोनी ने अंदर ले जाकर हंसिका को एक बड़े से शीशे के सामने बैठा दिया। उसी वक्त उसकी तीन असिस्टेंट भी वहां आ गई। एक डेढ़ घंटे बाद जब हंसिका ने अपनी आंखें खोली तो वो खुद को पहचान नहीं पा रही थी। उसके बालों का कलर बदल गया था और वो नीचे से कर्ल हो गए थे। चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। टोनी ने चारों तरफ घूमकर उसे देखा और बोला, परफेक्ट इंडियन लुक मैडम, अब आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हंसिका जैसे ही बाहर आई तो रंजन उसे देखता ही रह गया। कुछ देर देखने के बाद उसने अपना सर दूसरी तरफ घुमा लिया। हंसिका समझ गई थी कि उसे देर तक देखने से रंजन झिझक रहा है, इसलिए उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। वो रंजन के पास आकर बोली, मुझे ये सब बड़ा अजीब लग रहा है, मैंने अपने बाल कभी कर्ल नहीं किए थे। हंसिका ये बात इसलिए बोल रही थी ताकि रंजन उसके मेकओवर के बारे में कुछ बोले। रंजन ने कहा, इसमें अजीब लगने वाली कौन सी बात है, सब लड़कियां मेकअप करती हैं, तुम अच्छी लग रही हो, इनफैक्ट बहुत अच्छी लग रही हो। हंसिका उसके मुंह से यही तो सुनना चाहती थी, वो भी बाकी लड़कियों की तरह ही थी, उसे भी अपनी तारीफ सुनना पसंद था। रंजन ने अपनी घड़ी देखकर कहा, चलें क्या, टाइम हो गया है और देर हो गई तो दादाजी बहुत नाराज होंगे। ये कहकर वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। हंसिका ने लंबी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल दी। वो जानती थी कि आज के दिन का सबसे मुश्किल काम अब होने वाला है। वो यही सोच रही थी कि उसके दादाजी कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या रंजन के दादाजी हंसिका को अपनी बहू स्वीकार करेंगे या नहीं। जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मैरिज ओनली ऑन पॉकेट एफएम।